हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहितम प्रकाश। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में थर्ड यूनिट में एपिकल्चर पढ़ रहे थे। उसमें हम हनी बी की आज लाइफ हिस्ट्री का स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसे कैसे आगे बढ़ती है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ एपिस डोमेस्टिका। कॉपुलेशन के फौरन बाद क्वीन जनरली एक ब्रॉड सेल में एक अंडा देते हैं। एग पिंक तथा इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल के बॉटम से अटैच्ड होते हैं। लार्वी फर्टिलाइज्ड व अनफर्टिलाइज्ड एग से निकलते हैं। वर्कर्स की लार्वी जब रॉयल जेली पर फीड करती है तो वे क्वीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। रॉयल जेली डाइजेस्टेड हनी तथा पॉलन से बनती है। इसमें वर्कर्स के माउथ का कुछ सिक्रीशन भी होता है, जिसे हिंदी हम श्रावण कहते हैं। 5 दिन तक फीडिंग करने के बाद सेल को सील कर दिया जाता है और लार्वी प्यूपा में बदल जाती है। प्यूपा के चारों तरफ एक पतला सिल्किन कोकोन बनता है। 3 सप्ताह के अंदर प्यूपा से यंग से यंग बोन्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम स्वार्मिंग की, तो स्वार्मिंग प्रोसेस क्या है आइए देखते हैं। क्वीन की कॉलोनी को छोड़कर बाहर आ जाना स्वार्मिंग कहलाता है। गर्मियों के दिनों में जब पर्याप्त भोजन मिलता है तो छत्ते के ओवरक्राउलिंग होने लगती है। तभी क्वीन कुछ पुराने ड्रोन्स तथा वर्कर्स के साथ कॉलोनी को छोड़कर एक नई कॉलोनी को बनाने के लिए किसी अदर प्लेस पर चली जाती है। इस प्रोसेस को हम स्वार्मिंग कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि सुपर सीडर क्या है। जब एक पुरानी क्वीन की एग देने की क्षमता कम होने लगती है तो यह अचानक मर जाती है। तब उसके स्थान पर एक नई यंग व ताकतवर क्वीन का आ जाना सुपर सीडर कहलाता है। अब बात करते हैं हम एब्सकॉन्डिंग की, तो ये क्या है आइए देखते हैं। जब किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन लाइक दैट नेक्टर की कमी या दीमक या अन्य इंसेक्ट द्वारा छत्ते को नष्ट कर देता है कर देना, जैसे कंडीशन आ जाती है तो पूरी की पूरी हनीबी की कॉलोनी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती हैं। ये कंडीशन एब्सकॉन्डिंग कहलाती है। अब बात करते हैं अननेचुरल माइग्रेट फ्लाइट की, तो ये क्या है आइए देखते हैं। जब पुरानी क्वीन फर्स्ट स्वार्मिंग के बाद थक जाती है तो दूसरे स्वार्म में सादिक पुरानी क्वीन तथा इसके उसके साथ कुछ ड्रोन्स बाहर आकर फ्लाइट करने लगते हैं। इसी को माइग्रेट फ्लाइट कहते हैं। कोई एक ड्रोन उड़ते उड़ते क्वीन को फर्टिलाइज करता है और उसके बाद मर जाता है, तो क्वीन
ड्रोन के स्पर्श को लेकर अपने स्पर मैथियस में स्टोर कर लेती है। मरने के बाद मेल के नीचे गिर जाता है। मरने के बाद मेल नीचे गिर जाता है और क्वीन उड़कर अपने छत्ते पर पहुंच जाती है। इसी को हम अननेचुरल माइग्रेट फ्लाइट कहते हैं। अब हम अगली कंडीशन है वो है हमारी हाइव्स। हाइव्स यानी छत्ते, इसके कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। हाइव या कॉम्ब मधुमक्खियों के हाउस होते हैं जो वैक्स के बने हुए हेक्सागोनल सेल से बनते हैं। यह वैक्स के वर्कर्स के एब्डोमेन से सीक्रेट किया जाता है। हाइव बिल्डिंग वृक्षों की शाखाओं, चट्टानों आदि से वर्टिकली लटके होते हैं। प्रत्येक हाइव में हजारों की संख्या में पतली दीवार वाले सेल्स बनते हैं जो एक कॉमन बेस पर दो विपरीत कतारों में अरेंज्ड होते हैं। छत्ते की मरम्मत का काम प्लांट से रिसीव होने वाले रिंग्स तथा गम्स द्वारा होता है। ज्यादातर निचली लोअर सरफेस पर निचली तथा सेंट्रल सेल्स को यंग स्टेज घेर लेती हैं। इन सेल्स को ब्रॉड सेल्स कहते हैं। इनमें से ब्रॉड सेल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें से वर्कर के लिए वर्कर सेल, ड्रोन के लिए ड्रोन सेल तथा क्वीन के लिए क्वीन सेल होता है। इसमें से क्वीन सेल का उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य प्रकार के सेल कई बार यूज किए जाते हैं। सेल में हनी व पॉलन के स्टोरिंग होती है। फ्लोरा फॉर एपिकल्चर। एपिकल्चर के लिए वाइल्ड या कल्टीवेटेड ऐसे प्लांट्स जरूरी होते हैं जिनमें नेक्टर व पॉलन भरपूर मात्रा में मिलता है। इसे वृक्षों में सीसम, पीपल, अमरूद, सोरगम, अंजीर आदि मुख्य हैं। बिना फ्लोरा के एपिकल्चर व्यर्थ होता है, यानी उसका कोई महत्व नहीं होता। अब है क्वालिटीज ऑफ हनी बी फॉर एपिकल्चर, यानी हनी एपिकल्चर के लिए हनी बी की क्वालिटीज क्या होती हैं आइए देखते हैं। एपिकल्चर के लिए हनी बी में कई क्वालिटीज आवश्यक होते हैं, जैसे पहला वह जेंटल नेचर की हो, दूसरा वह स्टोर कॉलोनी की फॉर्मेशन कर सके, तीसरा वह शत्रुओं से अपना बचाव करना जानती हो, अगला उनमें वर्कर्स परिश्रमी तथा ऊर्जावान हो तथा वे विभिन्न पदों से जूसेस को सक कर सकते हो, अगला वे किसी भी जगह पर अपना छत्ता बना सकते हो। इंडिया में एपिस इंडिका में यह सभी गुण मिलते हैं, इसलिए इसको बेस्ट भी माना जाता है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ बी कीपिंग। बी कीपिंग का एकमात्र उद्देश्य शुद्ध रूप में शहद को प्राप्त करना होता है। इसके लिए जो पुराना तरीका अपनाया जाता है वह काफी खराब तथा
अनप्लान्ड होता है, इसे इंडिजीनस मेथड कहते हैं। इस मेथड में बी कीपिंग के लिए दो प्रकार के छतों का यूज होता है, एक तो वे जो दीवारों आदि पर फिक्स होते हैं और दूसरे मूवेबल हाइव्स जो अंदर से खोखले लकड़ी के लट्ठों, मिट्टी के बर्तनों, खाली बॉक्सेस आदि में बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी बी। शहद निकालने के लिए आग को रात के समय छतों के पास लगाया जाता है, जिससे हनी भी या तो मर जाती हैं या वहां से भाग जाती हैं। अब ऐसे छत्ते को जिसमें शहद भरा होता है तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े करके निचोड़ा जाता है, जिससे शहद प्राप्त हो जाता है। इसके लिए कभी कभी धुआं भी किया जाता है। पुराने इंडिजीनस मेथड में कई कमियां देखी जाती हैं, जैसे छत्तों के टुकड़ों को निचोड़ते समय उनमें मौजूद एग्स, लार्वी, प्यूपी का भी एक्सट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो शहद इम्प्योर हो जाता है और दूसरी वजह से उसकी कॉलोनी कमजोर पड़ जाती है। अंडों व लार्वी को समाप्त हो जाने की वजह से उसकी संतानें डेवलप नहीं होती हैं। इसके अलावा नया छत्ता बनाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा यह छत्ते पर बंदर, चूहे, चींटियां, ततैया यानी बेस्पा आदि अटैक करके शहद को चुरा लेते हैं। इन पर क्लाइमेट्स का भी सीधा प्रभाव पड़ता है। इंडिजीनस मेथड की सारी कमियों को दूर करने के लिए एपिकल्चर की मॉर्फी मेथड को लागू किया जाता है। इसके लिए आजकल टिपिकल टाइप के मूवेबल हाइव बनाए जाते हैं, जिन्हें स्थान, क्लाइमेट, सीजन आदि के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।